एंड यू आर वॉचिंग किट्टूज चैनल. सो आज का जो वीडियो है वो लिप लाइनर्स के बारे में है. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा. तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास 3 लिप लाइनर्स हैं जो कि मैंने नायका से परचेज़ किए हैं. कुछ एक इसमें मेरे को किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स के साथ में मिला है. बट लिप, आपको भी पता है कि लिप लाइनर्स जो है काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं हमारे लिप्स पे, हमारे लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, हमारे लिपस्टिक को स्मज होने से बचाते हैं. तो हेयर आई हैव 3 लिप लाइनर्स. तो लिप लाइनर्स सबसे पहले मेरे पास नेल्फ का है, ये मिस क्लेयर का है, ये बेला वोस्टे का है. तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनमें मैंने मेरे को बेला वोस्टे एंड नेल्फ जो है किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स के साथ में मिला था और मिस क्लेयर का जो है वो मैंने Nykaa.com से परचेज़ किया था. अगेन ये बहुत ही लाइक मिस क्लेयर तो बहुत ही रीजनेबल है, अंडर बजट है, विद इन अंडर 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. बाकी का नेल्फ का आई गेस मेरे को किसी लिपस्टिक के साथ में एक पूरा इसका जो सेट होता है लिपस्टिक एंड लाइनर उस तरीके से शायद मुझे मिला था. जो भी चीज़ें होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. और ये बेला वोस्टे का भी मेरे को किसी उसके साथ में ही, आई गेस बेला वोस्टे का मेरे को लिपस्टिक के साथ में मिला था और ये है मेरे को सिंपल लिप लाइनर मिला था. तो ये तीनों लिप लाइनर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप इसको किसी भी नॉर्मल शॉप से या मार्केट से परचेज कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली Nykaa.com पे मैंने चेक किया है, Nykaa.com पे ये तीनों अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं. और इस आजकल purple.com का बहुत ट्रेंड है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ मिस क्लेयर के लिप लाइनर की, तो ये जो है ये मिस क्लेयर का लिप लाइनर है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 65 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. और मेरा जो मेरे पास जो शेड है वो है मिस क्लेयर ग्लिमरस्टिक फॉर लिप्स क्रिम्सन रेड L31. तो मेरे पास इसका, अगर आई होप सो आपको दिख रहा होगा, क्रिम्सन रेड L31 मेरे पास जो है ये शेड है. एंड लिप लाइनर्स आपको भी पता है कि बहुत ही हेल्प करते हैं आपके लिप्स पे. तो ये जो इसका शेड है मेरे पास प्योर रेड कलर है इस लिप लाइनर का. तो लिप लाइनर को लगाने का एक तरीका भी है कि आप लिप लाइनर लिपस्टिक के अंडर भी लगा सकते हैं और ऐसे आप लिप लाइनर पूरे लिप को फिल करके आप लिप ग्लॉस के साथ या लिप बाम के साथ भी आप लगा सकते हैं. देर आर सो मेनी वेज टू यूज दीज लिप लाइनर्स. तो सबसे पहला शेड जो है जो कि मैंने आपको दिखाया है, दिस इज मिस क्लेयर. सो मिस क्लेयर बहुत ही अफोर्डेबल है, 65 रुपीज़ का है, नायका से या कहीं भी मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं. दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में तो आई गेस इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. बाकी अदर जगह का मेरे को नहीं आइडिया, बट ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, नायका पे भी अवेलेबल है. तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एयर आई हैव बेला वोस्टेज लिप लाइनर जो कि मेरे को किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था. तो इसका जो शेड है मेरे पास वो है बेला वोस्टे 24/7 लिप डिफाइनर इनफ्लेम्ड. तो जो मेरे पास जो शेड है वो है इनफ्लेम्ड. तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे को आई गेस लिपस्टिक के साथ में एक पूरा जो सेट आता है, ये भी मैंने नायका पे ही देखा था. तो 1149 समथिंग इसकी जो कॉस्ट है लिपस्टिक प्लस दिस. तो ये इनफ्लेम्ड करके आप चेक कर सकते हो वहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली लिप के लाइक लिपस्टिक के साथ में अगर इसको परचेज करना है. तो हेयर इज, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ भी किया हुआ है, बहुत अच्छा वर्क करता है आपके लिप्स पे, लॉन्ग लास्टिंग भी है. तो ये भी अगेन डार्क मरूनिश रेडिश मरूनिश कलर है. ये लाइटर है तो ये थोड़ा सा डार्कर टोन में है इससे अगर आप देख सकते हो. तो ये बेला वोस्टे का शेड है और बस बेला वोस्टे एंड मिस क्लेयर में ये है कि आपको इसको शार्पनर से शार्पन करना पड़ेगा, तो आप इन दोनों को शार्पन करके ही यूज़ कर पाओगे. तो ये था बेला वोस्टे का. अब नेक्स्ट जो मेरे पास जो है वो है नेल्फ USA मेड इन जर्मनी. तो इसमें मेरे को शेड जो है आई गेस मेरे को समझ नहीं आया था, तो कि मैंने इसका जो प्राइस भी देखा था नायका पे, तो इसकी जो प्राइसिंग थी आई गेस 425 या 225 रुपीस था जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. तो ये बेसिकली इस पेन शेप में है, तो आप इसको ट्विस्ट करके आप इसको निकाल सकते हो. तो इसके जो अगर मैं शेड की बात करूँ तो ये मेरा फेवरेट शेड है, न्यूडिश पिंकिश शेड है. आप इसको इजीली किसी भी लिपस्टिक के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं. अभी मैंने जो न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है, न्यूड नुएंस मेबेलिन की, उसके अंदर मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है. तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके लिप्स पे, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया. तो ये देखिए ये न्यूडिश पिंकिश शेड है, बहुत ही अच्छा शेड है, मुझे इसका शेड बहुत पसंद है. कभी कभी मैं इसको लिप्स पे फिल करके मैं हल्का सा लिप बाम लगा लेती हूँ और या गुड टू गो. तो आप इस तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने लिप्स. एंड आई यू नो लिप लाइनर्स आर वेरी बेस्ट
option to like stay your lipstick for long on your lips. तो ये Nelf है, this is बेला वोस्टे एंड this is Miss Clair. तो यहाँ पे ये तीनों lip liners हैं और आप other brands के भी purchase कर सकते हैं जो कि जो भी आपको लगता हो कि वो easily आपके लिए available है या affordable है. तो Miss Clair is very easily available. 65 rupees का lip liner is the best. आप इसके अलावा और आपको क्या चाहिए है? तो इन बेला वोस्टे का भी मेरे को किसी के साथ में मिला था. Nelf का भी आप परचेस कर सकते हो. आप थोड़ा हाई एंड में जा सकते हो अगर आप ज़्यादा कॉस्टली परचेस करना चाहते हो, बट अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हो. आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि देर आर सो मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग ऑन योर वे. एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.